वेलकम वेलकम बैक टू एडिशन चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम आप सभी के साथ जेन पास यू 2022 के अंदर आपका काउंसलिंग का टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये सब कुछ रिलेटेड इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसको लेकर आप सभी का बहुत सारा डाउट है, तो इसलिए आज का वीडियो है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को जो है कैरी करना होगा जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। तो ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा आपको मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑन नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने अपने फ्रेंड के साथ कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहीं पर आपको फेसबुक पेज लिंक, टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टा आईडी का लिंक एंड उसके साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जिसका थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको और चलते। तो जिन पर से 2021 का काउंसलिंग नोटिफिकेशन से ये पेज में आप सभी के साथ शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स का सभी डिटेल्स मालूम हो जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, तो चलो फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना होगा, तो यहाँ पर फुल डिटेल्स में लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कैरी करना है। तो ये नंबर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखो क्लास टेंथ एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए कोई एक लाएगा, हो सकता है वो टेंथ एडमिट कार्ड हो और बर्थ सर्टिफिकेट, तो दोनों में से कोई एक लाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। बी नंबर अगर आप देखते हो तो ऑल कैंडिडेट्स क्लास 12th मार्कशीट, तो सभी को जो है क्लास 12th मार्कशीट लाएगा और 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का मार्कशीट लाएगा। एंड उसके बाद आपका ऑल कैंडिडेट्स रैंक कार्ड, तो सी नंबर अगर आप देखते हो तो रैंक कार्ड आपको जो है लेकर जाना होगा। एंड इसके बाद आपका WB डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाएगा, तो जिन पास यूज सिर्फ वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट ही दे सकता है, मतलब सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो प्रोफॉर्मा वो आपको ऑफिशियल साइट पर ही मिल जाएगा। अगर आप ऑफिशियल साइट ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा प्रोफॉर्मास फॉर डोमी जेन पास 2022, तो वहाँ पर आपको जो है आपका जो प्रोफॉर्मा प्रोफॉर्मा A1, प्रोफॉर्मा A2 एंड प्रोफॉर्मा B फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। एंड डिटेल्स वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को किससे साइन करवाना होता है एंड कैसे आप इसको बना सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्लियर कर देंगे। इसके बाद आपको जो है SC ST OBC B कैंडिडेट्स के लिए ये सब सर्टिफिकेट लाएगा। एंड उसके बाद आपका EWS कैंडिडेट्स जो लोग हो उसको जो है EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। यहाँ पर और एक बात है, यहाँ पर आप अगर ए पॉइंट देख ले तो ए पॉइंट तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि जिसके पास आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका रिजर्व कैटेगरी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसा यूज कर सकता है। बट रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर कोई फॉल्स निकल जाता है तो उसका जो डोमिसाइल स्टेटस है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यही सारे जो चीज़ था डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर दिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर बेसिकली हर चीज़ बताएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।